तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका स्वागत है प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही कमाल की जानकारी दूंगा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर किस हार्मोन्स के बदलाव के कारण सामान्य मनुष्य किन्नर बन जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरा डिटेल से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करना इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को एक लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो सर्च करके लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं आखिर वह कौन सा बदलाव है जिसके कारण एक सामान्य मनुष्य तीसरा जेंडर बन जाता है। असल में कोई मनुष्य जन्म लेने से पहले जब अपने जीवन के बेहद ही शुरुआती अवस्था में होता है, तब उसके हार्मोन्स में कुछ बदलाव होता है जिसमें ऐसे हार्मोन्स का निर्माण हो जाता है जो महिला और पुरुष के जन्म का चुनाव करता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस हार्मोन से क्या होता है। यदि एक्स वाई हार्मोन्स बनते हैं तब लड़का जन्म लेता है, लेकिन अगर एक्स एक्स हार्मोन्स बनते हैं तब लड़की जन्म लेती है। लेकिन दोस्तों, जब हार्मोन्स बनते हैं उसी समय अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो तीसरे जेंडर का निर्माण हो जाता है। यदि एक्स वाई हार्मोन्स बनते समय में एक ज़्यादा यक्स हार्मोन्स आ जाता है तो तीसरा जेंडर बनता है और उसमें महिला के ज़्यादा लक्षण होते हैं और पुरुष के कम लक्षण होते हैं। लेकिन एक्स वाई हार्मोन्स बनते समय अगर वाई हार्मोन जुड़ जाता है तो तीसरा जेंडर बन जाता है जिसमें महिला के बहुत ही कम लक्षण होते हैं और पुरुष के बहुत ही ज़्यादा लक्षण होते हैं। इन दोनों ही अवस्था में जन्मा बच्चा एक समान मनुष्य से काफ़ी अलग होता है। लेकिन दोस्तों, एक शोध के मुताबिक ऐसा सिर्फ 1 लाख बच्चों में सिर्फ एक बच्चे में होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा जो आज मैं आपको बताने वाला था। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर देना और आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएँ। दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।